5:30 शाम के जो है वो थाईलैंड में बजे हैं, इंडिया में नहीं। इंडिया में मेरे ख्याल से 7 बज चुके होंगे, अंधेरा हो चुका होगा शायद। फ्री ओके थैंक यू। देखो यहाँ पे पेट्रोल के साथ साथ पानी मिल रहा है फ्री वो भी। और यहाँ पर बोर्ड नजर आया हमें वेलकम टू मे होंगसोंग। और आज हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं चियांग राय से। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है हम कैसे पहुंचे थे यहाँ पर, तो वो जरूर देख लेना। मतलब यार पूरी थाईलैंड सीरीज बहुत अल्टीमेट चल रही है, अल्टीमेट थाईलैंड इस सीरीज का नाम मैंने दे दिया है, तो शुरू से एंड तक व्लॉग्स देख लेना, मजा आ जाएगा। तो आज हम जाने वाले हैं जी पाई, जो कि यहाँ से 307 किलोमीटर के आसपास है, और पाई आज का स्टे होगा हमारा। और फिर कल हम ट्रैवल करेंगे मे होंगसोंग लूप, जो कि बहुत ही फेमस लूप्स है, 1870 यानी कि 1870 कर्व्स है, और 600 किलोमीटर के अंदर ये फैले हुए कर्व्स है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। और बहुत सारे फॉरेनर्स भी जाते हैं, जो भी टूरिस्ट आता है ज़्यादातर वो मे होंगसोंग लूप करता है, अगर बाइकर है तो। तो हम तो बाइकर हैं भाई दिल से, तो मे होंगसोंग लूप तो जाना बनता है। तो चलिए आज का जो सफ़र है वो शुरू करते हैं और निकलते हैं पाई के लिए। घड़ी कहाँ गई? घड़ी ये रह गई। डन डना डन निकले जी। घड़ी वड़ी पहने? लॉकर में अभी नहीं। नहीं सामान बंद गया सब? तो एक काम कर दो फिर। क्या? इसको कार्ड दे के 300 पार्टी से। चलो जी निकला जाए। चाबी अपनी ये रही। होटल इतना बड़ा है, गैलरी देखो भाई साहब, कम से कम 50-60 कमरे होंगे यहाँ पे। तो वही ऐसा था हमारा होटल स्टे रात का। बाकी जिनको नहीं मालूम कि मैं कौन सी बाइक चला रहा हूँ इस थाईलैंड ट्रिप पर, तो भाई मैं चला रहा हूँ होंडा की CV500X, और बहुत बढ़िया सी बाइक लग रही है मुझे चलाने में। लेकिन सबसे बड़ी बड़ा कौन या फिर डिसएडवांटेज मैं अगर इसकी बोलूँगा तो इसकी है ब्रेकिंग। भाई साहब बवाल ब्रेकिंग है, मतलब कि भाई लगती नहीं है। एक कौन और है मेरे ख्याल से, इंडिया के अंदर ये 6-7 लाख की बाइक है, तो कोई इसको ख़रीदता नहीं है, क्योंकि 500 सीसी बाइक है और 6-7 लाख लगाना 500 सीसी में एडवेंचर में, इंडिया में तो भाई लोग अवॉइड ही करते हैं। और ये पूरा होटल ही है भाई, यहाँ पे विला भी है, सब कुछ है। देखो कितनी सही प्रॉपर्टी बना रखी है बंदे ने, जिसका भी होगा भाई कितना अमीर होगा। देख रहे हो स्विमिंग पूल जिम वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। और ये है यहाँ का रिसेप्शन, तो यहाँ पर मुझे देना है इनका कार्ड और मिलेंगे वापसी 300 baht we deposited last night, yes. Piman in Wi-Fi. यहाँ से राइट लेना है? अरे क्या बात है, शॉर्टकट दिखा रहा है। गर्मी भाई फाड़ गर्मी है यहाँ पर, ऐसी तैसी हो गई। आ जाओ। तो सुबह सुबह थोड़ा सा यार सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, और कल के दिन भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। एक्चुअली ज़्यादा राइड नहीं करी, 220 किलोमीटर चलाई, लेकिन होता क्या है कि टेंपल वगैरह जब आप घूमते हो इधर उधर चलते फिरते हो तो और ज़्यादा थक जाते हो चीज़ें देखने में, तो राइड के साथ साथ एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो लोग बैक पैकिंग करते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, आप लोकल ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो आपको ज़्यादा थकान नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पहले बाइक चलाओ फिर जाके पैदल चलो उसको एक्सप्लोर करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। ये देखो जी शॉर्टकट से आ गए हम बाहर की साइड, ये आ गए मेन हाईवे पे। अगर गूगल ना हो तो भाई साहब बंदे की वाट लग जाए। ये लो जी मेन हाईवे पे आ गए। पेट्रोल भरवा लेते जी, पता चले आगे मिला नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 35.57 डीजल है, 95 गैसोलीन है, 91 36.51 है। चलो जी भरवा लो पेट्रोल 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 पेट्रोल। अब ये हैंग हो गया साला, क्या क्या हैंग हो रहा है। आंटी जी फुल
यस फुल फुल 91 जीरो इट्स जीरो यस थैंक यू यहाँ तो इनसे बात भी नहीं कर सकते यार बस स्वादी खाब बोलो स्वादी खाब है ना अभी नहीं भरा फीफो यहाँ पर तो ये भर रही है लेकिन ज़्यादातर थाईलैंड में मैंने देखा खुद ही भरना पड़ता है उस दिन स्कूटर में भी एक मिनट वेट 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 फ्री ओके थैंक यू देखो यहाँ पे पेट्रोल के साथ साथ पानी मिल रहा है फ्री वो भी 330 भाट आए हैं भाई 330 भाट ओके बढ़िया है सब बढ़िया है मज़े में है हमें तो आ रहा है मज़ा बाइक राइडिंग में जवान जाने मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवान सार हो गया ओए होए रेंजर स्विगी शॉपी फूड स्विगी नहीं है शॉपी फूड करके कोई लंच करें क्या टाइम हो गया है 12:01:30 दिखा रहा है इसमें हाँ कर लेते हैं बर्गर किंग या वो सब मिल जाए तो वही देखते हाँ सो फाइनली हमने एक ब्रेक ले लिया है भगा भगा के वाट लग गई थी और भूख भी लगाई थी तो भाई हमने सोचा कि रुक जाते हैं और कुछ खा लेते हैं तो हम पहुंचे हैं 7-Eleven जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर बोलो या फिर एक बड़ा सा स्टोर बोलो जहां पर कि आपको सारी चीज़ें मिल जाती है चाहे वो खाने का सामान हो पीने का सामान हो सिम कार्ड तक भी अवेलेबल है विस्की भी अवेलेबल है कॉफ़ी भी अवेलेबल है मतलब सब कुछ आपको मिल जाता है और रेट भी काफ़ी अच्छे हैं इनके अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ के रेट थोड़े से ज़्यादा होते हैं ज़्यादातर तो हम सामान इसी के अंदर से ले रहे हैं क्योंकि भाई रेट का डिफरेंस आ रहा है और सामने से कुछ 7-Eleven ऐसा दिखता है यहाँ पर देखिए 2G/5G के स्टॉल भी लगे हुए हैं तो यहाँ से सिम कार्ड भी मिल जाता है ATM भी यहीं पर है तो आप पैसे भी निकाल सकते हो और ये जो मेन रोड है यहाँ पर मेन रोड पर ऐसे बोर्ड लगे हुए आपको दिख जाएंगे दूर से तो आप इजीली रुक सकते हो तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ कि 7-Eleven कैसा है इंडिया जी ओके तो जैसा इंडिया में होता है कोई डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप जैसे रिलायंस वगैरह है इंडिया में यहाँ पर 7-Eleven है यहाँ पर सब कुछ खाने का सामान है लेकिन ज़्यादातर आपको नॉन वेज ही मिलेगा देख रहे हो कुछ वेज ढूंढो यार ये क्या है देखना ये वेज लग रहा है मुझे चांस ही नहीं है देखने कहीं इंग्लिश में लिखा होगा पढ़ो और एक प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी आइटम्स होंगे ना सब में आपको थाई भाषा में लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर यहाँ पर आ गया पूरा पानी का सेक्शन मिनरल वाटर और मिनरल वाटर का रेट मैं आपको बताता हूँ देखिए जी ये 1.5 लीटर की बोतल है 7 भाट की ये 7 भाट की लाइन है और ये 10 भाट की है 14 भाट का ये वाला 2 लीटर का पानी है बाकी ये वाले जो देख रहे हैं आप 22-23 भाट के हैं 14 भाट मीनिंग हो गए करीबन 28 और 30 32-33 रुपये के आसपास ये भी जूसेस वगैरह हैं और इधर चॉकलेट्स वगैरह हैं पानी का अंबार लगा हुआ है इधर चिप्स वगैरह हैं और इन पर भी ज़्यादातर थाई में लिखा है लेज आपने देखा होगा इंडिया में लेज लिखा होता है इंग्लिश में लिखा होता है हिंदी में कभी नहीं लिखा होता लेकिन यहाँ पर लाई करके कुछ लिखा हुआ है एल ए तो समझ आ रहा है लेकिन ये वाला वर्ड पता नहीं वाई ही होगा लेज टाइप और इधर बियर का सेक्शन है पूरा इसमें कुछ रोटी है या फिर पूरी टाइप का लग रहा है लेकिन ये देखो नॉनवेज है और कुछ राइस है 59 भाट का है ये लूँगा जी मिनट मेड जो कि इंडिया में भी अवेलेबल होता है और काफ़ी हेल्दी ड्रिंक होता है ये पल्पी है हाँ पल्पी है तो भाई अपन ने लिए हैं ये केक ये मिनट मेड और ये कुछ राइस बेरी करके चावल थे अब ये तो पता नहीं कि इसके अंदर कुछ मिला ना हो बस खा लेते हैं यार एक फ्लेवर्ड राइस है पेट पूजा डन अब बढ़ा जाए आगे ये देख रहे हो भाई साहब क्या लिफ्ट किट लगा रखी है भाई ने गदर मचा रखा है सी क्या ब्यूटीफुल लग रहा है ये ट्रक रेंजर लवली एलॉय व्हील देखो टायर देखो कितने चौड़े हैं पीछे गाड़ी आ रही है ब्यूटीफुल अच्छी खासी चढ़ाई आ चुकी है अब और मोड़ देखो भाई क्या सही सही मोड़ है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ट्रैक वाले मोड़ हैं
ट्रैक में जो सुपर बाइक चलाते हैं ना वैसे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन ख़तरनाक भी है ये। और ये पूरा इलाका आ गया है जंगल वाला, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ख़तरनाक जंगल। वैसे तो पोल्यूशन यहाँ पर बहुत कम है, धूल मिट्टी तो उड़ती नहीं है, लेकिन गाड़ियों का जो धुआं होता है ना वो पूरा काला कर दिया उसने। सो गाइस शाम के बजे हैं 5:30 और यहाँ से पाई अभी भी 45 से 50 किलोमीटर है, लेकिन यार ये जो लूप्स पड़े ना भाई साहब एक नंबर पड़े, मतलब मज़ा आ गया। बेसिकली यार ऐसा लग रहा था कि जो मे होंगसोंग है उससे पहले ही इतने सारे लूप आ गए, तो मे होंगसोंग में क्या हालत होने वाली है। और 5:30 शाम के जो है वो थाईलैंड में बजे हैं, इंडिया में नहीं। इंडिया में मेरे ख्याल से 7 बज चुके होंगे, अंधेरा हो चुका होगा शायद। यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो गई है, ठंड हो गई है जो कि देखने को आमतौर पर मिलती नहीं है थाईलैंड में। सब लोग कह रहे हैं कि गुड वेदर। हाँ, जहाँ पर डीजी जाता है वहाँ का वेदर अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने काफी सारे ब्लॉग्स पे बोला है, जैसे नॉर्थ ईस्ट गया मैं, उत्तराखंड गया, तो बाकी अपनी बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मजा आ रहा है इनको चलाने में। बस एक इशू है ब्रेकिंग का। और चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं भाई, ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि पूरे पूरा का पूरा घना जंगल है ये। और अगर रात को यहाँ से गुजरा जाए, अकेला गुजरेगा, मतलब अगर चल के गुजरेगा कोई, तो भाई साहब उसकी लेनी देनी हो जाएगी, मतलब सिट्टी विट्टी गुल होनी श्योर है, वो नहीं पहुँच पाएगा। कोई ना कोई ले जाएगा उसको, ले जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ तो होगा, जितना ये डेंस फॉरेस्ट है इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा। और देखो गाड़िया, और यहाँ की गाड़िया देख के तो यार दिल खुश हो गया। एक गाड़िया, एक साफ सफाई, आज है दूसरा दिन और अभी तक ये बाइक अपनी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, परफॉर्मेंस एक नंबर मिल रही है, कहीं पर भी कोई हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। बाकी इस बाइक में जब हमने बाइक ली थी तब डाला था कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट 10W40, जो कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और ये आता है 5-in-1 फार्मूला के साथ। ये देता है मेरी बाइक को एक्सीलेंट एक्सेलरेशन, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, इंजन कूल रहता है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ हो जाती है, और मिलती है एंड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी, जिससे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक राइड कर पाता हूँ। और रोज़ ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, हम सुबह निकलते हैं और पहुँचते हैं रात को, मतलब कि यार इतनी देर तक मशीन काम करती है और बाइक बिल्कुल स्मूथ चलती है। और अगर आपका बाइक स्मूथ चल रहा है ना तो भाई आपका ट्रिप भी बिल्कुल स्मूथ जाता है, मतलब टेंशन नहीं होती ना अगर बाइक स्मूथ चले, बढ़िया चले। तो बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा कैस्ट्रॉल पावर 1 अल्टीमेट अपनी बाइक में डालकर ज़रूर देखिए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा इंजन ऑयल है और परफॉर्मेंस आपकी बाइक की बेहतर हो जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कैस्ट्रॉल बाइकिंग का पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाकर अगर कोई भी क्वेरी डालेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। गजब गजब रोड है यार, गजब जगह है, गजब एटमोसफियर है, और इस टाइम तो ठंडक इतनी बढ़िया सी हो गई है, बिल्कुल दार्जिलिंग वाली फील आ रही है अब। वेलकम टू मे होंगसोंग। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट होगा मे होंगसोंग। और लूप्स, वैसे तो यार बहुत सारे लूप्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और यहाँ पर बोर्ड नज़र आया हमें वेलकम टू मे होंगसोंग, जो कि अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि मैं सोचा था कि यार पाई के बाद आएगा मे होंगसोंग, क्योंकि पाई से मे होंगसोंग करीबन 100 किलोमीटर है और यहीं से मे होंगसोंग स्टार्ट हो जाता है जैसा कि बोर्ड पर लिखा है। पहले ही बोर्ड आ गया, पूरा सर्किट होगा फिर ये, जिसमें से कि 750 किलोमीटर का है, और मैंने बैटरी हिसाब लगाया कि 750 किलोमीटर, 600 कुछ का था मेरे का, 750 था। अच्छा 1800 वो बैंड है। हाँ 1870 बैंड है। मैंने कहा नहीं भाई ये तो पहले से शुरू है। चलो जी यहाँ पर लेते हैं एक आध फोटोज वगैरह और फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना मुझे, क्योंकि वहाँ पर भी स्टोरीज़ रील वगैरह मैं डाले जा रहा हूँ, तो अच्छी अच्छी रील्स और वीडियोस के लिए वहाँ पर फॉलो ज़रूर करना। बाकी यूट्यूब पर तो आप वीडियो देख ही रहे हो।
फोटो वोटो लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया और अब हो गया है जी अंधेरा। हुआई नाम डांग नेशनल पार्क, काफ़ी सारे नेशनल पार्क पड़ रहे हैं बीच में। भाई पहुंच गए। देखो भाई यहाँ पे भी हमें बोतल मिल गई पानी की। हर पेट्रोल पंप पर यहाँ पर रिवाज क्या बोले कि फ्री दे रहे हैं, स्कीम दे रहे हैं कि इतने का पेट्रोल तो इतने लीटर, हाँ इतने का पेट्रोल तो इतने लीटर। तो 800 भाट का हमारा टोटल पेट्रोल आया दोनों बाइकों में, तो उन्होंने 2 लीटर की एक बोतल दे दिया हमें पीने के लिए। तो यार ये चीज़ ना इंडिया में भी लागू करनी चाहिए कि अगर आप इतना पेट्रोल खरीद रहे हैं तो आपको पीने का पानी तो एटलीस्ट प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि यार गर्मी होती है इंडिया में भी, तो जो यूज़र्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये रही अपनी बाइक, बस पहुंच चुके हैं हम पाई, थोड़ी सी दूर है 2 किलोमीटर, फटाफट पहुंचते हैं, होटल बुक करते हैं और फिर रेस्ट करते हैं। कुची कुची पाई पाई, हम पहुंच गए पाई। और ये शहर भी काफ़ी लाइवली सा लग रहा है। वाव ये देखो क्या सही सजावट कर रखी है पूरे शहर में, ब्यूटीफुल। थाई मसाज नहीं करवानी हमें, ये वाली गली तो मस्त लग रही है यार। हैप्पी इन पाई, क्या बोल रहे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है? हाँ ठीक है चलेगा। डबल बेड सिंगल सिंगल? हाँ सिंगल तो बोल रहा हूँ। अच्छा डबल बेड तो इकट्ठा होगा ना? हाँ हाँ यार सिंगल बेड। जो सिंगल बेड वाला है वो 800 बाट का, मैंने कहा ना भाई 500 बाट का दे दे। लो जी रूम हो गया बुक और हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में। तो एक बार मैं रूम का टूर दे देता हूं आपको। देखो जी यहां पर 2 अलग अलग बेड हैं और ये जो रूम है ये पड़ा है 600 वाट में, 500 नहीं 600 पड़ा है एक्चुअली। दोनों बेड का 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया उन्होंने। एक फ्रिज है, एसी लगा हुआ है और काफ़ी स्पेशियस रूम है। ये देखो बढ़िया सा, मतलब मज़ा आ गया। एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड लगा हुआ है और सामने का नज़ारा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सामने से बुद्धा जी झांक रहे हैं और वो रहे निशांत भाई नीचे सामान लेके आ रहे हैं अभी।